मेरे मन में जो बात आई वो मैंने कह दी। आगे जो भी फैसला करना है सोच समझकर तुम दोनों को ही करना है। हाँ बिट्टू जी, अच्छा हो गया ना, ठीक है, थैंक यू। आरके वो यही सवाल पूछना चाहती हूँ ना कि मैंने उनकी बात का जवाब क्यों नहीं दिया, और तुम्हारे दिमाग में यही चल रहा होगा कि हम अपने परिवार को छोड़कर कैसे जाएंगे, कि हम अपने परिवार के बिना कैसे रहेंगे, इस दुनिया को छोड़कर हमारी एक नई दुनिया में जाकर क्या होगा। सच कहूं तो मेरे पास तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं है। रहो मेरे साथ, चलो। बीवी तुम यहीं ठहरो। मैं यहीं ठहरो। आरके, अगर तुमने तुम्हारा वो स्टूपिड भूतों वाला जोक फिर से शुरू कर दिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम सुन रही हो ना? आओ बीवी, अपना घर देखो। घबराओ मत बीवी, रिलैक्स। आके फिल्मी जरूर है पर ये सब मैं फिल्मी दुनिया से निकलने के लिए तो कर रहा हूं। और ये सब देखकर तुम ये मत सोच लेना कि यही हमारा घर है, ये सिर्फ हमारे घर का मैप है। आओ अंदर आओ। एक मिनट बीवी, आगे मत पढ़ना, समझा करो बीवी। गृह प्रवेश होगा वार केक स्टाइल से। सामने देखो। बीवी हमारा लिविंग रूम होगा, यहाँ पर सोफे नहीं दरी और कालीन बिछाएंगे, जमीन से रिश्ता जुड़ा रहता है। बड़ी बड़ी बेपर्दा खिड़कियां होंगी, सूरज उगते ही दिखेगा और बारिश की पहली बूंद भी। और यहां पर मैं अपना कैनवस रखूंगा जिस पर खूबसूरत पेंटिंग बनाते हुए मेरी दुनिया को खूबसूरत बनाने वाली मेरी जंगली बिल्ली को वहां किचन में हमेशा देख सकूं। ये तुम्हारा किचन होगा, दिन में 3 बार घी तेल और मिर्ची से भरपूर खाना। हाँ, नो सैलेड, नो डाइट फूड, और हाँ भूल कर भी करेला मत बना, क्योंकि अगर तुमने करेला बनाया तो मैं तुम्हें तो कुछ कर नहीं पाऊंगा, लेकिन तुम्हें करेला बेचने वाले को चांद से मार दूंगा। अब
और यहाँ यहाँ तुम मुझे हेड मसाज, नहीं हेड मसाज नहीं, चंपी दोगे। दीदी ये हमारा बेडरूम होगा और बेडरूम की दीवारों पर कुछ नहीं और बेड पर भी दीवार नहीं, तकिए सिर्फ सिरहाने रखे जाएंगे हमारे बीच में नहीं। और इस सब के बीच में अगर भगवान ने भी इंटरफेयर करने की कोशिश की तो मैं उन्हें करने नहीं दूंगा। दीवारों पर फोटो फ्रेम नहीं, क्योंकि हम एक दूसरे को आमने सामने देखेंगे। और यहां पर एक बड़ी सी प्रोजेक्टर स्क्रीन होगी जिस पर हम सिर्फ एक ही फिल्म देखेंगे। कौन सी? मिस्टर इंडिया। और हाँ बीवी, याद रखना बच्चों को उसका सैड सीन नहीं दिखाना है, और ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आओ मधु, मुझे तीन बच्चे चाहिए, दो लड़कियां और एक लड़का। लड़कियों की शक्ल तुम पर होनी चाहिए और अकल मुझ पर। अखड़ू अखड़ और दुनिया की बैंड बजाने वाली। लड़का थोड़ा बिगड़ा हुआ भी हुआ तो चलेगा, पर ज्यादा नहीं। और ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने लाड़ प्यार में उसे बिगड़ मत जाने देना। बीवी मैंने यहां पर दो कमरे बनवाए और जानबूझकर किसी एक रूम में दो बच्चों को रखूंगा, ताकि वो दिन भर झगड़ते रहे, क्योंकि लड़ने से प्यार बना रहता है। बीवी, मेरे पास तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं, पर मैं ये सोच रहा हूं कि क्या मैं हमारी इस दुनिया को आज की दुनिया के जैसा बना पाऊंगा या नहीं। आरके, हम पापा की रॉकिंग चेयर कहाँ रखेंगे? मेरे हिसाब से हमें उसे लिविंग रूम में रखनी चाहिए, ताकि पेंट करते वक्त कभी कभी तो बेकरारी कहे ये करार, बुझ के ना बुझे ये प्यास और बार, जाने ये कैसा है प्यार। काश ये दुनिया मुझे अभी ये भी मिल जाए, तू मैं छोटी सी क्यूट सी दुनिया। हम है दीवाने तेरे दीवाने, हम है दीवाने तेरे दीवाने, हम है दीवाने तेरे दीवाने, हम है दीवाने तेरे दीवाने। कोई मजाक है क्या? दो दिन पहले हाँ कही तुमने, लेकिन उसके बाद मना भी तो किया ना। अरे कोई जबरदस्ती नहीं करनी तो नहीं करनी फिल्म। ठीक है, अब मैं क्या कहूँ? वैसे यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मजबूरी थी इसलिए आई। तुमने कहा ना कि वो धमकी दे रहा है, नहीं आऊंगी तो घर पे आ जाएगा, मैं तो यहाँ पर कभी नहीं आती।
ठीक है चलो, ऑल द बेस्ट, ओके, गुड लक। बेटा आप इतनी नर्वस क्यों हैं? हम तो तुम्हारे बाप जैसे हैं। रामू काका खाओगे? वाचने ने हम तो इसे रामू काका कहते हैं। आइए आप। नहीं, मुझे पसंद नहीं है। आर्टिस्ट को तो रामू काका खाना चाहिए, उसका काटना एक आर्ट है। धीरे धीरे जो पड़ते हैं उसकी उतरती है ना। मैंने सुना है तुमने मेरी फिल्म ना कर दी। ना कर दी?